हमारा दूसरा व्यायाम, फिर से ये रहेगी आपके हाथों की पोजीशन। इस बार मेरी बाएं हाथ शरीर के करीब है और दाहिना हाथ शरीर से दूर है। हम एक हुक तैयार करेंगे और इसको, इसकी पकड़ को फर्म करेंगे। कोहनियों को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे। सांस लेते हुए दाहिनी कोहनी को दाहिनी तरफ ले जाएंगे और सर को बाएं तरफ ले जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ सर को अकेले ना घुमाएं, बल्कि सर को कंधे के साथ में घुमाएं। इससे आप इस भाग को स्ट्रॉन्ग करने लगेंगे और आपके गले पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। सो दाहिनी कोहनी को दाहिनी तरफ ले जाएं सांस लेते हुए और अपने सर को कंधे के साथ बाएं तरफ लेके आए। कुछ देर तक पकड़ कर रखें, सांस छोड़ें, अपने सर को बीच में लाएं और हाथों को भी बीच में लाएं। सांस लेते हुए इस बार बाएं कोहनी को बाईं तरफ ले जाएं और सर को दाहिनी तरफ ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं। बीच में आएंगे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए सांस लेंगे छोड़ेंगे। इस प्रैक्टिस को 5 बार करें और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो 10 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके गले के इस भाग को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी टाइटनेस है, जो भी जकड़न आ गया है, वो रिमूव हो जाएगा।